पिछले दिनों कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने ज्यादातर ट्रेनों को रद्द कर दिया था, लेकिन अब जब कोरोना केस कम होने लगे तो रेलवे प्रशासन ने रद्द की हुई ट्रेनों को धीरे धीरे चलाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में रेलवे प्रशासन 21 जून से कई ट्रेनों का दोबारा से संचालन शुरू करने जा रहा है। रेलवे ने इन ट्रेनों की सूची जारी कर दी है। अंबाला रेलवे स्टेशन डायरेक्टर ने बताया कि 21 जून से दोबारा शुरू हो रही ट्रेनों में मुख्य रूप से शिवशक्ति दिल्ली से कटरा जाने के लिए, कालका से नई दिल्ली जाने वाली शताब्दी, अमृतसर से दिल्ली जाने वाली शताब्दी आदि शामिल हैं। ये गाड़ियां 21 जून व 1 अगस्त से चालू की जा रही हैं। रेलवे प्रशासन की ओर से कई एक्सप्रेस व शताब्दी सहित लगभग 44 ट्रेनों को फिर से शुरू किया जा रहा है। बीएस गिल ने कहा कि भारत सरकार की ओर से कोरोना को लेकर जो भी हिदायतें जारी की गई है, उन सब हिदायतों का रेलवे प्रशासन पूरी तरह से पालन करेगा। अभी जो रेस्टोरेशन का मैसेज मिला है वो करीब लगभग 22 ट्रेन रेस्टोर करने की बात हो रही है। जो शेड्यूल अंबाला की जो ट्रेन हैं उसमें हम लोगों को जो कुछ ट्रेन 1-7 से शुरू हो रही हैं, कुछ 21-6 से भी शुरू हो रही हैं। टोटल 9 पेयर ट्रेन हैं जो अंबाला से गुजरने वाली हैं, जिनमें मुख्य श्री शक्ति है 02462, ये 1-7 से शुरू की जा रही है। 2011 शताब्दी नई दिल्ली कालका, ये 21-6 से शुरू की जा रही है। इसी तरीके से 045-27-28 ये शुरू की जा रही है 21-6 से। 020-13-14 ये भी नई दिल्ली अमृतसर शताब्दी, ये भी 1-7 से शुरू की जा रही है। इसी के साथ साथ इसी कड़ी में आगे जो है आपके 2005-2006 कालका नई दिल्ली शताब्दी, ये 21-6 से शुरू की जा रही है। 02046-45 ये भी चंडीगढ़ नई दिल्ली, ये भी 21-6 से शुरू की जा रही है। 02029-30 ये नई दिल्ली अमृतसर, ये 2-7 से शुरू की जा रही है। 02265-66 ये 2-7 से शुरू की जा रही है। 04006-04005 ये जम्मू तवी से है, ये 4-7 से शुरू की जा रही है। मुख्यतः 9 पेयर्स ऑफ ट्रेन जो हैं वो अंबाला की स्टार्ट की जा रही है। रेलगाड़ियों में सफर करने वाले लोगों के लिए ट्रेनों का फिर से चलना एक अच्छी खबर है। बता दें कि लॉकडाउन के चलते पिछले करीब 1.5 माह से ट्रेनों के पहिए थमे हुए थे। पंजाब के सी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।